हिमाचल प्रदेश में पिछले 9 अगस्त से शुरू किए गए स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल अभियान के तहत शनिवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लाल पानी के समीप नाले में सफाई अभियान चलाया गया। इस सफाई अभियान में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ नगर निगम शिमला के कर्मचारी, शिमला जल प्रबंधन निगम के कर्मचारी और स्वयंसेवी संस्थाओं सहित स्लॉटर हाउस के कर्मचारियों ने भी अपना सहयोग दिया। इस सफाई अभियान के दौरान हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अपूर्व देवगन ने कहा कि 9 अगस्त से लेकर शुरू हुए साप्ताहिक सफाई अभियान के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक विभाग को इस अभियान में शामिल होने का आह्वान किया गया है। इसी के चलते आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए लाल पानी में नाले की सफाई करने का बीड़ा उठाया। वहीं उन्होंने शिमला के प्रत्येक नागरिक से आग्रह किया है कि वे भी अपने आसपास सफाई व्यवस्था बनाकर रखें। पर्यटक की ज्यादा इशू नहीं है, पर्यटक थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं और कम मात्रा में आते हैं। वो भी मैं ये नहीं कह रहा कि वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं गंदगी को, जो उनमें से कुछ इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, परंतु देखने वाली बात यह कि यहाँ पे ये तो हमारा ही गंद है, शिमला के ही निवासी हैं जिनका गंद यहाँ पे इकट्ठा हुआ पड़ा है, तो हमें घर पे उसको सही से निपटारा करने के लिए सेग्रीगेट करना है। गीला कचरा, सूखा कचरा, हजार्डस वेस्ट, ई वेस्ट, वो करके जो एनसी शिमला के यहाँ पे और या अन्य भी शहरी निकाय राज्य में हैं उनके जो कलेक्शन सेंटर हैं या उनके जो उनका सैनिटरी स्टाफ है, कलेक्शन स्टाफ है, उनके माध्यम से सही निपटारे के लिए भेजना है, वरना ये ऐसे ही इकट्ठा होते रहेगा और बड़ी प्रॉब्लम आगे समय में आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला। 15 अगस्त भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ा पावन पर्व है। इस पावन पर्व की मैं पूरे मिनर्वा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से सभी भारतवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि हमारा ये भारतवर्ष एक ऐसे मुकाम पे हम सब मिलकर पहुँचाएँ कि जिससे पूरा विश्व हमारे भारत को एक बड़े सम्मान के साथ देखें। तो मैं सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।